Hi everyone, this is Mayank Kotharia, and in this video we are going to discuss about how to prepare for SFM for November 2017 exam. So what are the past analysis, trend kya bolta hai aur kaise November 2017 ke paper aane ke expectations hai aur kya kya cheeze aapko karni hai ye 3 mahino mein jo aapko help karegi SFM ko prepare karne ke liye. Please pay attention to what I am saying. The very first and important thing is the book that you are using. Jo bhi cheeze aap use kar rahe hain, मेक श्योर कि प्रैक्टिस मैनुअल आपके हाथ से नहीं छूट रही है. मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर बता देता हूँ, इंडिया में आप कोई भी फैकल्टी के लेक्चर्स यूज़ करो, फेस टू फेस क्लास यूज़ करो या वर्चुअल बैच यूज़ करो, इवन मयंक कोठारी, सारी फैकल्टीज़ एक साइड में है, प्रैक्टिस मैनुअल एक साइड में है. प्रैक्टिस मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही उस फैकल्टी के क्वेश्चन वो आप उसकी बुक में इंक्लूडेड है, लेकिन स्टिल यू हैव टू गो थ्रू द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल, बिकॉज प्रैक्टिस मैनुअल में हो सकता है कि आपको डिफरेंट आंसर मिले, डिफरेंट तरीके मिले. सो देयर हैज़ टू बी अ नीड टू इम्प्रूव, ठीक है. और आपको पता भी चलना चाहिए कि अलग अलग तरीके और क्या हो सकते हैं. पहली चीज़, प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कौन सी और कितनी बुक्स यूज़ करना चाहिए? सर एक तो आपके क्लास नोट्स यूज़ कर लो आप, उसके बाद में आप प्रैक्टिस मैनुअल कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट. इसके अलावा 17 चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ बहुत ही क्लियर रखो, कम करना नुकसान देगा, बहुत ज़्यादा करना नुकसान देगा. कम करना कैसे नुकसान देगा? अगर आपके पास में कम नोट्स है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से छूट गए होंगे. आप सोचोगे कि यार 10 कॉन्सेप्ट है, अच्छा 10 कॉन्सेप्ट में पूरा SFM हो जाएगा, गुड, ये तो मेरे से आसानी से हो रहा है. लेकिन बाद में जब आप एग्जाम दोगे तो शायद पता चलेगा कि 12 से 13 कॉन्सेप्ट थे, 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके छूट चुके थे. जितना आपको दिखेगा उतना ही आप समझोगे कि कोर्स है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना कोर्स क्लैरिफाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से. इंस्टीट्यूट का मटेरियल बेस्ट आइटम है जिससे आप ये जज कर सकते हो कि आपके पास में जो आप नोट्स या रेफरेंस बुक या क्लासेस कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो वो पूरी है कि नहीं, ठीक है. पहली चीज़ तो आपने कंप्लीट कर ली. दूसरी चीज़ आप ध्यान दो, आपने ये तो कर लिया क्लास नोट्स, उसके बाद में प्रैक्टिस मैनुअल, दैट्स इट. ये दो चीज़ें मोर देन सफिशिएंट. प्रैक्टिस मैनुअल और बढ़ चुकी है पुराने 2-3 अटेम्प्ट के मुकाबले में. इंस्टीट्यूट ने 2016 जनवरी की सप्लीमेंट्री इशू की थी. अब जैन 2017 के PM में उस सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो PM थोड़ी बड़ी हो गई है. प्लीज़ मेक श्योर कि नवंबर 2017 के लिए आप जैन 2017 वाली PM प्रैक्टिस मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, और कोई प्रैक्टिस मैनुअल यूज़ मत करना. रीज़न क्या बताता हूँ, क्योंकि उसके पहले की जितनी भी प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें एक तो एडिशनल क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चंस नहीं हैं. दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो पुरानी प्रैक्टिस मैनुअल में थे उसमें आंसर्स गलत थे. यस, गलत थे. इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत थे. उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को के आंसर्स को करेक्ट किया गया और नई PM आपके सामने आई जनवरी 2017. 200-300-400 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन गो एंड बाय दैट इफ यू हैवंट येट, ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द जनवरी 2017 प्रैक्टिस मैनुअल. एक चीज़ तो ये हो गई, अगर आपके पास में कंबाइंड PM आपको चाहिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज कंबाइंड PM चाहिए तो मैंने कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट पर डाउनलोड्स वाले सेक्शन में डाला हुआ है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. पहली चीज, अब आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस मैनुअल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एक अप्रोच होता है चैप्टर्स को पढ़ने का. स्पेसिफिकली मैं SFM के लिए बोलूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक कॉस्टिंग क्यूटी एंड ऑल. दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत उससे कम. मैं कहीं पे भी आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूँ जहाँ से आपकी मेहनत कम हो सकती है. मैं आपको बता रहा हूँ कि SFM में स्कोर कैसे अच्छा करना है, ठीक है. अब मैं कोई अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तो उसके लिए मेहनत लगेगी, मान के चलना. कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अगर आप कोई चैप्टर उठा रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आ गई, उसके बाद में प्रैक्टिस करो. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है. और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपके बस में जितना है उतना करो, ठीक है. आपने PM भी ले लिया, सर स्टडी मटेरियल भी ले लिया, RTB भी ले लिया, MTB भी ले लिया, स्कैनर भी ले लिया, मेरे टीचर्स के सारे नोट्स भी ले लिए, फिर और एक रेफरेंस बुक भी ले लिया, इतना सारा होना ही नहीं है. और गलती कहाँ होती है पता है, आप रेफरेंस बुक, टीचर्स के नोट्स, इन सबको करने में रह जाते हो और अल्टीमेटली सर PM नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा कम टाइम मिल गया था तो मैंने वो सारे क्वेश्चन तो उसमें इंक्लूडेड थे, मैंने वो कर लिए थे. बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी इंस्टीट्यूट्स मटेरियल. अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स भी लिए हुए हैं तो आई विल सजेस्ट इंस्टीट्यूट की PM को छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है. अच्छा, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. कहाँ से सर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? आपने क्लास लगाई होगी, उसमें नोट्स आपको लिखा के दिए होंगे, प्रिंटेड नोट्स दिए होंगे, उसमें से कर सकते हो, एक चीज़. दूसरी चीज़, कोई रेफरेंस, आपने क्लास नहीं लगाई तो रेफरेंस बुक ली होगी, उस रेफरेंस बुक में अच्छे से समझाया हुआ होता है, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. वीडियो लेक्चर्स लिए हुए किसी के, मेरे या किसी और के, उससे आप समझ सकते हो वीडियोज़ देख के. कुछ भी नहीं है सर मेरे पास में,
सर यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, एक एक कॉन्सेप्ट सर्च करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा क्यूम्बरसम है लेकिन मिल जाएगा काफ़ी हद तक, वहाँ से देख लो, टाइम कंज्यूमिंग है बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले फिर उन पे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस सर कहाँ से करना? प्रैक्टिस मैनुअल, पहली चीज़। अब उसको सॉल्व कैसे करना, बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पे, कॉस्टिंग क्यूटी लो, प्रैक्टिस SFM लो। SFM की बात करो तो जैसे आके आपने कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर लिया, लेट्स से पोर्टफोलियो वाला चैप्टर लिया, पोर्टफोलियो के आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद में आपने उस पर क्वेश्चन स्टार्ट किया। आप क्या करते हो ना, बहुत आप मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऑडिटिंग करते हैं, बेसिकली ऑडिट करते हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन भी वहीं पढ़ेंगे, आंसर भी वहीं देखेंगे, उसी पे टिक 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 करते जाएंगे, हाँ ये स्टेप उसने सही लिखे है, हाँ ये स्टेप सही है, हाँ ये स्टेप सही है। एक चीज़ एनालाइज करके देखो, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूँ और मैं आपको ब्लैंक पेपर दे दूँ और सॉल्व करने बोलूँ, तो आपको पहले यही नहीं समझ में आएगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, यही नहीं समझ में आएगा आपको पहले, कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाओगे। क्योंकि जब ब्लैंक पेपर पे खुद के हाथ से कुछ लिखना होता है तब दिमाग चलाना पड़ता है, दूसरी साइड में उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर छपा हुआ है, क्लास के नोट्स में आंसर लिखा हुआ है, वीडियो लेक्चर्स में आंसर दिख रहा है, कहीं पे भी हो। अब आप अगर ये अल्टरनेटिव छोड़ के इस पे जाते हैं फेस टू फेस क्लास में, जब सर सामने कराते हैं ना बोर्ड पे, बहुत आसान लगता है वो क्वेश्चन। थोड़ा सा याद करके देखना, सामने कराई हुई चीज़ आसान लगती है, क्यों? क्योंकि रेफरेंस बुक में, PM में, वीडियो लेक्चर्स में, फेस टू फेस क्लास में जो सामने वाले ने आंसर कराया है या लिखाया है वो सही तरीके से लिखाया है, आपको दूसरी साइड पता ही नहीं है उस क्वेश्चन की कि गलत क्या हो सकता है, आपसे गलती क्या हो सकती है, यू डोंट नो। वॉट आई वॉन्ट टू से इज मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को खुद स्टार्ट करो, दो लाइन भी लिखो लेकिन पहले खुद स्टार्ट करो, अटकोगे तो फिर इन सब चीज़ों को रेफर करना, रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस मैनुअल, वीडियो लेक्चर्स, फेस टू फेस क्लास, वर्चुअल क्लास, क्लास नोट्स, रेफरेंस बुक, एनीथिंग, बट पहले खुद ट्राई करो। डायरेक्टली गोइंग टू दिस विल हार्म यू। पहले खुद ट्राई करो, मेक मिस्टेक्स, यहाँ जाओ वो ट्रीटमेंट समझ में आ गई, फिर वापस खुद ट्राई करो आगे बढ़ के, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। अब उसमें क्या होता है सर, थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है, और जब आपको दिमाग चलाना पड़ता है, जब बार बार आप फेल होते हो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, प्रैक्टिस मानने में 500 क्वेश्चन है, 500 बार अगर जब आप फेल हो गए तो एग्जाम में जाके पास होना कन्फर्म हो जाएगा। यू हैव टू फेल एट योर होम बिफोर सेटिंग एन एग्जाम। प्रैक्टिस डायरेक्ट जाके एग्जाम में करोगे तो दिक्कत होगी। अब आप ही सोचो एग्जाम में क्या करना है, आपको भी तो एग्जाम में यही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ब्लैंक पेपर दिया हुआ लिखना है। ये प्रैक्टिस आप 500 क्वेश्चन में पहले ही घर पे कर चुके हो, आपको आदत हो चुकी है, यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू वोंट मेक मिस्टेक्स नाउ। दिस इज द अप्रोच फॉर स्टडीज। ओके, फॉर वन सेकंड, वन मिनट, आई विल सजेस्ट फ्यू थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स जो वीडियो लेक्चर्स यूज कर रहे हैं। डोंट फॉलो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस पहले देखो, उसके बाद में खुद सॉल्व करो क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चंस आंसर्स वाले वीडियोस को यूज करो। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स ले लिए, कॉन्सेप्ट के भी वीडियो देख लिए, क्वेश्चंस के आंसर्स के भी वीडियो देख लिए, और आपको लगता है बहुत आसान है, बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ईजी हो जा रहा है, सर ने तो बहुत ईजी करा दिया, फेल होना कन्फर्म है आपका, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया आपने तो सिर्फ देखा है। कहीं पे भी कुछ भी करो ये गलत अप्रोच है। मैं सबको सेम तरीके से, मेरे ही एंगल से ले लो, मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, बाद में बाकी टीचर्स की बताऊँगा। मैंने पूरे इंडिया में अगर 1000 लोगों को, 2000 लोगों को वीडियो लेक्चर्स दिए, आपको क्या लगता है 2000 लोग पास होने वाले? 2000 लोग पास नहीं होने वाले, गारंटीड। SFM में स्कोर करेंगे? नहीं, गारंटीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, किसी को 30 भी नहीं आएंगे, किसी को 90 क्रॉस कर जाएगा, कोई किसी को 30 भी नहीं आएंगे। क्यों ऐसा पॉसिबल है? मैंने तो सबके लिए सेम तरीके से पढ़ाया हुआ है। कोई भी टीचर आपकी मदद पास होने में नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है। जो लोग 90 प्लस लाते हैं वो टीचर की वजह से नहीं लाते, वो खुद की मेहनत, खुद के स्मार्ट तरीके से लेके आते हैं, उनका अप्रोच सही होता है। सो अगर आपको ठीक करना है, टीचर को मत बदलो, बुक को मत बदलो, या किसी और को ब्लेम मत करो,
घर पे भी सिचुएशन को ब्लेम मत करो, गरीबी अमीरी सब छोड़ दो, अप्रोच पॉजिटिव रखो, खुद रिस्पॉन्सिबल बनो उस चीज के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग समवन एल्स. आ रही बात समझ में? सो यू हैव टू इम्प्रूव द अप्रोच. चलो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, थोड़ा सा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ आपको. प्रैक्टिस मैनुअल के एक एक क्वेश्चन कर लोगे बहुत है, मैं बता रहा हूँ. टाइम मिलता है तो स्कैनर के लिए जाओ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम मिलता है तो, अदरवाइज पीएम में बहुत क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए तो आई डोंट थिंक सो आपको टाइम मिलेगा, 3 महीने ही बाकी है वैसे भी. दूसरी चीज़ ऐसी है, 1, 2 या 5, 7 जैसे भी टाइम मिलता टेस्ट पेपर्स दे के देखो, मॉक टेस्ट पेपर्स दो, बिंदास दो, फेल होता चलता दो, जाके आओ. मे बी पॉसिबल कि मैं कंडक्ट करूँ सितंबर एंडिंग के मंथ्स के आसपास में, बट आई वोंट गारंटी. स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल, आई विल इन्फॉर्म यू पीपल ऑल. अगर जब मैं अगर मॉक टेस्ट पेपर्स ले रहा हूँ तो, अगर नहीं भी मिले तो अपनी सिटी में देखो कहीं पे मॉक टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं क्या, जाके सॉल्व करो. आंसर शीट आनी चाहिए तो ही फायदा है, ठीक है? नहीं तो फिर जाओ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, पास एग्जाम क्वेश्चंस के पेपर डाउनलोड करो, पेपर घर पे खुद बैठ के सॉल्व करो. कोई एक्सक्यूज नहीं है सर कहीं हमारे यहाँ पे तो टेस्ट सीरीज होती नहीं, हम कहाँ से देंगे. एक्सक्यूज है, क्या होएगा उससे, आप दे नहीं पाओगे अल्टीमेटली, क्या हुआ तो नहीं ना काम आपका. काम निकालो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, मॉक टेस्ट पेपर्स निकालो, पास एग्जाम क्वेश्चन के पेपर निकालो, वो सॉल्व करो. जब आप 5 से 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने पिछले 5 से 10 सीए फाइनल एग्जाम में बैठने जैसा ही हो गया वो. तो एक एग्जाम और क्या बिगाड़ लेगी आपके नवंबर 17 वाला, कुछ नहीं बिगाड़ेगी. व्हाट आई मीन टू से इज, मेक मिस्टेक्स एट होम, सॉल्व पेपर्स एट होम, ऑल द प्रैक्टिस एट होम, अ करेक्ट अप्रोच शुड बी देयर. जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे तब एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा. अच्छा, फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज, प्रैक्टिस मैनुअल जैन 2017 जो SFM की है उसमें हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये भी मैंने एक शीट बनाई हुई है. आई विल सजेस्ट यू गो टू द कॉन्फ्रेंजा वेबसाइट, डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा. दैट विल हेल्प यू इन विच सेंस, आपके पास में टाइम कम है तो एटलीस्ट आप ये मार्किंग कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेना, दैट विल बेस्ट. मार्किंग कर सकते हो कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट कवर करना है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि 10 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन यहाँ कर लिए आपने और बाकी 3 कॉन्सेप्ट छूट गए. अगर टाइम कम है तो आप मार्किंग कर सकते हो कि चलो ठीक है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो मैं एक 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 करके मार्किंग कर लेता हूँ. तो 500 क्वेश्चन में से 250 300 क्वेश्चन आप कर लोगे तो एक तरह से 300 क्वेश्चन में भी 250 क्वेश्चन में भी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं. सो आपका टाइम सेव हो सकता है, एक बेटर प्लानिंग भी हो सकती है. सो 500 क्वेश्चन कौन से 500 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इसका PDF अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड दैट एंड यूज इट, मेक श्योर यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली. इसके बाद में प्रैक्टिस मैनुअल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है कि ये वाला चीज़ नहीं समझ रहा, प्लीज़ व्हाट्सएप मी. आई विल मेक श्योर कि 2 वर्किंग डेज के अंदर में मैं आपको उस क्वेश्चन का या क्वेरी का रिप्लाई करूँ. इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एट अ स्टेज लाइक 7 डेज कहीं अगर बाहर हूँ तो आई विल इन्फॉर्म यू पीपल ऑल्सो वाया व्हाट्सएप DP. और अगर आप कॉन्फ्रेंसा का प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू हैव बॉट द वीडियो लेक्चर्स यू कैन आस्क क्वेरीज थ्रू दैट प्लेयर ऑल्सो. मेक श्योर यू आर आस्किंग क्वेरीज थ्रू दैट प्लेयर इफ़ यू आर यूजिंग द वीडियो लेक्चर, बिकॉज आपको उसमें बाकी लोग क्या क्वेरीज पूछ रहे हैं वो भी पता चल रही है. तो आपको एक तरह से नॉलेज का पूरा सा ये पूरा भंडार मिल रहा है. देर इज़ अ नॉलेज बेस, देर नॉलेज का डेटा बेस है. आप बाकी लोग सेम क्वेश्चन में क्या क्वेरीज पूछ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, कहीं भी बैठा हो बच्चा इंडिया में. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू. मतलब आप जब क्वेरी पूछते हो तो आप सिर्फ खुद की ही मदद नहीं करोगे, आप बाकी 1000 लोगों की भी मदद करोगे, क्योंकि आपकी क्वेरी 1000 लोगों को भी दिखेगी और मेरा आंसर भी उन 1000 लोगों को दिखेगा. डोंट वरी, आपका नाम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी लोग जो प्लेयर्स यूज़ करते हैं उनको एज अ फ्रेंड्स नाम से दिखेगा, आपके नाम से नहीं दिखेगा. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई मेड श्योर कि ऐसा हो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस था फेस टू फेस क्लासेस का कि 200-250 बच्चे या 700 बच्चे जब एक क्लास में बैठे होते तो हम उठ के क्वेरी नहीं पूछते, डाउट नहीं पूछते, क्योंकि हमको लगता है कि क्या है, अगर मेरी क्वेरी ऐसी सड़ी सी क्वेरी रही तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे 750 लोगों में, बोलेंगे कि क्या है कुछ भी पूछ रहा सड़ी सी क्वेरी. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन आस्क एनीथिंग, नाम भी आपका सीक्रेट रहा, आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल गया. सो मोस्ट प्रोबेबली इन 2 वर्किंग डेज आई विल रिप्लाई टू ऑल दोस डाउट. व्हाट आई एम डू व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स इज आई एम प्रोवाइडिंग यू जहाँ से भी मैं आपको हेल्प कर सकूँ, रिसोर्सेज डाउट सॉल्व करके, PM में कॉन्सेप्ट्स बता के,
अच्छा पेपर एनालिसिस की बात करते हैं, पिछले पास्ट एग्जाम में ट्रेंड क्या रहा है, ये भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दूंगा, मेरा प्रिपेयर होना बाकी है दो जगह पे, कॉन्फ्रेंस के प्लेयर पे आपको फैकल्टी अपडेट्स में मिल जाएगा, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं डाल दूंगा, तीसरा आपको कॉन्फ्रेंस के डाउनलोड्स वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी। स्टे अपडेटेड विद दिस, एक ट्रेंड पता चलता है तो आपको और एक क्लैरिटी आती है। हाँ सर आप बता दो, नवंबर 17 का पेपर ईजी आएगा हार्ड आएगा? ये कोई नहीं बता सकता इजी आएगा या हार्ड आएगा, बट कंसिडरिंग द ट्रेंड नवंबर 17 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मई 17 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि कंटिन्यूस दो पीरियड में एग्जैक्टली सेम लेवल का पेपर आएगा। सो मई 17 से तो टफ होगा, गारंटीड है, अब कितना टफ होगा कोई नहीं बोल सकता। अच्छा SFM का पास्ट ट्रेंड ये भी बोलता है कि नवंबर के पेपर हमेशा टफ आते हैं, मई के पेपर ईजी आते हैं, बट देर इज़ नो पर्टिकुलर थम रूल कि हाँ भाई अब तो हार्ड ही आएगा, ईजी भी आ सकता है, बट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एक्सट्रीम लेवल सो दैट ईजी भी आया तो आपके लिए क्या दिक्कत है ना, बट स्टे प्रिपेयर्ड कि टफ आने के चांसेस बहुत हैं। SFM एंड लॉ आई थिंक आर द टू पेपर इन फर्स्ट ग्रुप, अगर आप एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका ग्रुप सेफ हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन एग्रीगेट से रह जाते हैं, और वो चीज़ बहुत अखरती है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, पास भी हो गया लेकिन मैं क्लियर भी नहीं हुआ, आगे बढ़ भी नहीं पाया, ये बहुत ज़्यादा अखरती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी दो सब्जेक्ट, हर ग्रुप में दो सब्जेक्ट आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि उसमें एग्जामिशन आए। सो फर्स्ट ग्रुप के लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट इज SFM एंड लॉ, ये दो में मार्क्स मिलते हैं। ऑडिट में मार्क्स नहीं देते यार, मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं देते, इंस्टीट्यूट नहीं मार्क्स देती ऑडिट में। अकाउंट्स आई कांट से, अगर किसी का स्ट्रांग पॉइंट है कोई चारों में से, कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और एकदम मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है, तो उस चीज़ को आप बेस बनाओ एग्जामिशन के लिए, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर फॉर SFM दैट आई टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर टू स्कोर गुड मार्क्स। और कुछ चीज़ें छूटी नहीं है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया डाउट्स के बारे में, मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस मैनुअल के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना ये भी मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल, चैप्टर उठाओ, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो पर्पस आंसर निकालना नहीं होना चाहिए, पर्पस ये होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझा, ठीक है। 500 क्वेश्चन से प्रैक्टिस मैनुअल में, अगर आप मेरे को 500 क्वेश्चन में 500 डाउट्स पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा उन डाउट्स का, दो दिन लूंगा अभी फिलहाल, एग्जाम टाइम के लास्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, मतलब अनबिलीवेबल होता है, तो मेरे को तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करने में। सो आई कांट गारंटी आखिरी के 10 दिन का, बट मेक श्योर पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो, पहले ही पूछ लो जितना पूछना है, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ छोड़ा होगा, लेकिन अगर इफ़ आई हैव समथिंग टू से एंड टू एडवाइस यू पीपल, सजेस्ट यू पीपल सो दैट इट कैन हेल्प यू, आई विल अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो टिल दैट टाइम स्टे प्रिपेयर्ड, 90 डेज का प्रॉपरली प्लान बनाओ एंड गो हेड विद द प्लानिंग। बाय बाय।